दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे सिखों के 10 गुरु का नाम, वो भी ट्रिक से जानेंगे दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो वो ट्रिक है दोस्तों, नानक अंगदान करके अमर हो गए और राम के पास चले गए, लेकिन अर्जुन ने गुरु गोविंद की राय ली और कितनी बहादुरी से खुद गुरु गोविंद बन गए। तो ये बहुत अच्छा ट्रिक है दोस्तों, इसको 3-4 बार पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। ये कविता के जैसा ही है, एक शायरी के जैसा ही है, नानक अंगदान करके अमर हो गए, ये कितना अच्छा पढ़ने में लग रहा है। तो इसी से आपका ट्रिक बनेगा दोस्तों, 10 गुरु के नाम। तो पहले पे आप नानक से देख सकते हैं, नानक से आपका गुरु नानक बन सकता है, जैसे ये सिखों के पहले गुरु थे दोस्तों, आपको तो पता होगा गुरु नानक सिखों के पहले गुरु थे। दूसरे से बनेगा अंगदान, अंगदान से आपका बनेगा दोस्तों गुरु अंगद। और तीसरा जो वर्ड है वो अमर है, तो अमर से आपका बनेगा दोस्तों गुरु अमरदास। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, अलग अलग कलर से बनाया हूँ जिसे आपको देखने में अच्छा लगे दोस्तों। आप चौथे नंबर पे आप देख सकते हैं दोस्तों, चौथे गुरु थे वो आपका बनेगा राम से, तो राम से आप देख सकते हैं गुरु रामदास बनेगा दोस्तों। उसके बाद आप देख सकते हैं पांचवा जो बनेगा ये, उसके बाद अब अर्जुन से बनेगा दोस्तों, अर्जुन से आप देख सकते हैं यहाँ पर गुरु अर्जुन बन रहा है। तो गुरु अर्जुन जो होते हैं सिखों के पांचवें गुरु थे। उसके बाद आप छठे नंबर पे देख सकते हैं गोविंद, गोविंद से आप देख सकते हैं गुरु हर गोविंद बना दोस्तों, ये बहुत अच्छा है, इसको 2-3 बार पढ़िएगा। उसके बाद सातवें नंबर पे आप देख सकते हैं सातवें गुरु थे और राय से बनेगा दोस्तों गुरु हर राय। उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों आठवें नंबर पर जो गुरु थे वो बनेगा आपका कितनी, कितनी से आपका बनेगा दोस्तों गुरु हर किशन। तो ये ट्रिक नहीं बन रहा था, लेकिन कितनी से आप बना के देख सकते हैं गुरु हर किशन। तो आप नौवें नंबर का गुरु देख सकते हैं, नौवां गुरु थे वो बहादुरी से बनेगा, तो बहादुरी से आप देख सकते हैं गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर का नाम सुने होंगे। अब उसके बाद दसवें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, तो गुरु गोविंद सिंह बहुत फेमस थे, दसवें गुरु सिखों के दसवें गुरु तो बहुत फेमस है, उनका नाम तो जानते होंगे गुरु गोविंद सिंह। तो दोस्तों हंसते रहिए और हंसाते रहिए और डेली हमारा वीडियो सुबह 6 से लेकर 9 बजे के बीच पाते रहिए। तो जय हिंद।